यादव समाज भारत सरकार से मांग कर रहा है कि भारतीय आर्मी में अहीर रेजिमेंट को भी जगह दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि यादव को अहीर भी कहा जाता है और अहीरों की यही मांग है कि भारतीय आर्मी में उनके नाम की रेजिमेंट हो, क्योंकि अहीरों ने भी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारतीय सेना में कई सारे यादव समाज के सिपाही और अफसर भी हैं और अहीर समाज के युवा भी भारतीय सेना में भर्ती के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अहीरों ने अपना एक अलग रेजिमेंट बनवाने की मांग की है, उसी को लेकर रजोकरी गांव में एक वहां पंचायत रखी गई जिसमें यादव समाज के बड़े बूढ़े नौजवान सभी वहां मौजूद हुए और उन्होंने पंचायत करी जिसमें कि किस तरीके से इस आंदोलन में जुड़कर सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है और भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनवाना है, क्योंकि अहीर समाज चाहता है कि भारतीय सेना में जो बलिदान अहीरों ने दिया है उसका सम्मान हो और सम्मान के चलते भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाई जाए और यही सही तरीका है अहीरों को सम्मान देने का, जिसके लिए रजोकरी गांव में महापंचायत की गई जो पंचायत संयुक्त अहीर रेजिमेंट समन्वय ट्रस्ट द्वारा करी गई। यादव है, आप लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं कहां तक लेके जाएंगे, किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचेंगे? देखो जी, जो अपनी अहीर रेजिमेंट की बात है, चाहे आज़ादी के पहले की बात हो, सन 1857 में जो अपने अहीरवाल क्षेत्र से राजा राव तुल्ला राम ने रेवाड़ी से नसीपुर से क्रांति इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांति रची थी, जो क्रांति की थी, उसमें हमारे नसीबपुर में तकरीबन 5,000 यादव जो नसीबपुर में शहीद हुए थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए। आज़ादी के बाद की लड़ाई जो 62 हो या 65 हो या 71 हो या कारगिल का युद्ध हो या संसद बचाने की बात हो, यादवों की भूमिका सबसे आगे रही है। उन्हीं के सम्मान के लिए हम अहीर रेजिमेंट के लिए मुहिम चला रहे हैं। पहले हमने 2018 में इस मुहिम को स्टार्ट किया था खेड़की दोला से अमरण अनशन कर पूरे समाज के सहयोग से। उसी को लेकर हमने एक संयुक्त ट्रस्ट बनाया है पूरे समाज की सहमति से, जो पूरा एक समाज का ट्रस्ट है। उसी को लेकर हम गांव-गांव जगह जगह जाके सभी यादवों को जोड़ने लग रहे हैं, प्रदेश से भी अदर प्रदेश से भी हम सभी यादवों को जोड़ने लग रहे हैं और इस मुहिम को हम जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ तकरीबन लाखों लोग अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम ये मुहिम, तो दरअसल पहले बात है हमारी 40-50 साल से चली आ रही है ये रेजिमेंट, इसको एक नई रूपरेखा देने के लिए हमने एक इसको एक रेजिमेंट को एक आगे बढ़ाने के लिए, युवा में जोश बनाने के लिए हमने जो एक मुहिम 2018 से पूरे समाज से गुड़गांव से जो शुरू हुई थी खेड़की दोला से, उसी के बदौलत आज पूरे देश में एक एक युवा साथी जागरूक हो चुका है, वो एक एक यादव जागरूक हो चुका है और सभी अब मिलकर अब अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। या तो सरकार जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट का गठन करे वरना यादव कोई बड़ा फैसला है। कैप्टन सत्यपाल यादव, किस तरीके से आप आज इस आंदोलन में जुड़ रहे हो? इस आंदोलन में हम इसलिए जुड़े हैं कि जो ये मुहिम चलाई जा रही है यादव अहीर रेजिमेंट के लिए, उस को आगे बढ़ाने के लिए आज रजौकरी गांव में ये सरदारी आई है। ये बच्चे आए हैं जिन्होंने काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, इन्होंने भूख हड़ताल भी की है खेड़की दौला टोल पर, इस काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए ये हमारा सहयोग मांगने आए हैं। मैं रजौकरी गाँव की तरफ से इनका स्वागत भी करता हूं और पूरे गांव का इनको सहयोग देता हूं, ये वादा करता हूं। ऐसा मैं कहर सिंह यादव, ये त्रेता युग से यादवों की लड़ाई चलती आ रही है, धर्म की स्थापना इन्होंने की और थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट से या कैसे जितना भी टाइम लगा वो जो लगा, लेकिन उम्मीद है मोदी सरकार जो है वो इसको ज़रूर सक्सेसफुल करेगी और हमारी अही रेजिमेंट बन के रहेगी। हमारा पूरा सहयोग है गांव से, क्षेत्र से, पूरे देश से। ऐसा कोई युद्ध आज तक रहा नहीं इतिहास में जिसमें यादवों ने अपने हिस्से का युद्ध ना लड़ा हो और अपनी शहादत ना दी हो। हमारा जो ये कौम है अहीर कौम, इसने भारत ही नहीं आज़ादी इसके पहले भी ना जाने कितने युद्धों में जहाँ जहाँ देश को आवश्यकता पड़ी शहादत दी और यह निरंतर शहादत का कार्य इस कौम के द्वारा किया जा रहा है। आज हम इस गांव में इकट्ठे हुए हैं, एक समिति एक ट्रस्ट का गठन बहुत पहले समाज के द्वारा किया गया था, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाई नहीं जा रही थी, वह संपूर्ण समाज का ही नेतृत्व उस कमेटी में था। उस कमेटी के कुछ मेंबर आज इस हरजोकरी गाँव में आए और हरजोकरी गाँव के युवाओं से और गाँव की सरदारी और पंचायत से यह समर्थन मांगा कि हम सरकार से चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे योद्धाओं ने अहीर
कौम के योद्धाओं ने ये युद्ध लड़े हैं और अपनी शहादत दी है, उन्हें भी इस रेजिमेंट का हक मिलना चाहिए। जिस प्रकार और बाकी मार्शल कौमों को यह हक मिला हुआ है, हम उसका विरोध किसी रूप में नहीं करते। हम सिर्फ अपने हक का संघर्ष कर रहे हैं और यह हक हम कोई बिना कारण के नहीं मान रहे। इसके प्रमाण हैं, तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, आंकड़े हैं कि किस बहादुरी से हीर कौम ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मेडल उसके सबूत हैं। और इसी प्रकार यह मांग हमारी सरकार से है जो 370 धारा हटा सकती है, सैनिकों को पेंशन दे सकती है, वह उस सरकार से हमारा अनुरोध है कि अहीर कौम को भी उनका हक दे। यह कार्यक्रम सीमित नहीं है, एक एक गांव जाएंगे, जिला जाएंगे, तहसीलों में जाएंगे, प्रदेशों में जाएंगे और ये संपूर्ण भारत का एक आंदोलन बने, संपूर्ण अहीर एकता का एक आंदोलन बने और ये बात सरकार तक पहुँचे। इसके लिए जो भी संभव कार्य होंगे हम आने वाले समय में करेंगे। अर्जोकरी गांव का समर्पण आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। सारे गांव की सरदारी पंचायती आपके बीच में है, यहां के युवा आपके बीच में हैं। कितने युवा आगे आए हैं जिन्होंने कमेटी के सदस्य बने हैं और अपना रात दिन इस आंदोलन के देने के लिए तैयार हुए हैं।